बी एड सेकेंड ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब गिव द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ जीआईडी ऑफ चाइल्डहुड। इसे फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीआईडी मतलब जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता क्या। उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में उसके कॉजेस और सिम्टम्स पढ़े थे एंड ये थर्ड वीडियो जीआईडी की। द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ जीआईडी, जीआईडी परफॉर्म जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू ICD-10 एंड DSM-5 RS फॉलो। इसमें क्या होता है, अगर वो पूछना चाहे तो ICD-10 और DSM की भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जिसके हम फुल फॉर्म अभी नेक्स्ट अभी बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ICD-10, इसका मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। ये है ICD की फुल फॉर्म फॉर गर्ल्स। गर्ल्स में क्या होता है, द इंडिविजुअल शो प्रेजेंट एंड इंस्टेंट डिस्ट्रेस अबाउट बीइंग अ गर्ल एंड हैज अ स्टार्टेड डिजायर टू बी अ बॉय और इंस्टेड दैट शी इज अ बॉय। इसमें क्या होता है, जो गर्ल होती है, गर्ल को अगर GID प्रॉब्लम होती है तो वो रहती तो गर्ल ही है, बट उससे जो चीजें होती हैं, उसे कपड़े पहनने का तरीका होता है, उसे जो खेलने का तरीका होता है या फिर उसकी जो पसंद होती है, वो ऐसा बॉय की तरह ही वो सारी चीजें फील करती है, उसे महसूस करती है। रिजेक्शन ऑफ यूरिनेटिंग इन द सिटिंग पोजीशन, और इसमें क्या होता है, जो उनका जो यूरिन होता है जिस वो भी उनमें रिजेक्ट वो भी नहीं होता उनका सही से। शी डज नॉट वॉन्ट टू ग्रो ब्रेस्ट और मेंसुरेशन, उससे उनकी ना ही जो ब्रेस्ट होती है वो इंक्रीज होती है, ना ही उनकी जो मेंसुरेशन साइकिल होती है वो होती है। द गर्ल्स हैज नॉट एट रीच प्योरिटी, और जो उनकी जो पोवर्टी आनी चाहिए वो भी नहीं होती है। द डिसऑर्डर मस्ट हैव बीन प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, और इसी के तो जो डिसऑर्डर होता है कम से कम वो 6 महीने तक होता है। आइदर ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इंक्लूड फॉर 2nd to 5th month। इसमें क्या था, जो ये जो 4 गर्ल्स में, जिसमें पहले मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स को गर्ल्स की चीजें नापसंद होती है और बॉयज की चीजें पसंद होती है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। पर ये जो रिजेक्शन से लेके द डिसऑर्डर मतलब जो 2nd to 5th पॉइंट है वो हमारा आएगा आइदर ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट में। ये लाइन ऊपर मिस हो गई थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। फॉर बॉयज, बॉयज में क्या होता है, द इंक्लूड शोज अ प्रेजेंट एंड इंस्टेंट डिस्ट्रेस अबाउट बीइंग अ बॉय एंड हैज अ डिजायर टू बी अ गर्ल। इसमें क्या होता है, सेम अपोजिट होता है, जैसे गर्ल्स होती है उसे बॉयज की चीजें पसंद होती है, बॉयज की तरह रहना और खेलना पसंद होता है, ऐसे बॉयज में होता है, बॉयज को गर्ल्स की चीजें पसंद होती है, गर्ल्स की तरह रहना, गर्ल्स की तरह खेलना पसंद होता है। आइदर ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट, इसमें क्या है, प्री ऑक्यूपेशन विद स्टीरियोटाइपिंग फीमेल एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, जैसे फीमेल्स होती है वो जॉब वगैरह नहीं करती हैं, वो क्या होता है जॉबलेस होते हैं, वैसे ये जो बॉयज होते हैं वो भी जॉबलेस होते हैं। क्रॉस ड्रेसिंग, इसमें कहते हैं वो बॉयज की ड्रेस ना पहनकर एज अ गर्ल्स की ड्रेस पहनते हैं। पार्टिसिपेट इन द गेम्स ऑफ गर्ल्स, और जैसे कि जो गर्ल्स वाली गेम होती है उसमें वो पार्टिसिपेट भाग लेते हैं। एंड रिजेक्शन ऑफ टाइपिकल मेल टॉयज, और क्या होता है, जो मेल वाले जो टॉयज होते हैं जैसे बैट बॉल हो गया, कार राइडिंग वगैरह ये सब हो गया, उस चीज को ये मना करते हैं और उन्हें गर्ल्स की चीजें पसंद आती। बेटर नॉट टू हैव अ पेनिस और टेस्टिस, जो उनके पेनिस और टेस्टिस होते हैं वो भी सही से नहीं होते हैं। द बॉय हैज नॉट एट रीच प्यूबर्टी, और जो बॉयज होते हैं उनकी प्यूबर्टी भी नहीं सही टाइम पे आती है। द डिसऑर्डर मस्ट हैव बीन प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, और ये क्या होता है, जो उनके जो डिसऑर्डर होते हैं कम से कम 6 महीने तक उनमें रहते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM-5 का फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th edition। इसमें क्या है, द इन बॉयज एंड गर्ल्स प्रेफर फॉर क्रॉस ड्रेस। इसमें क्या होता है, जो गर्ल्स होती है उसे बॉयज की चीजें पसंद आती है, और गर्ल्स और जो बॉयज होती है उसे गर्ल्स की चीजें पसंद आती है। आर स्ट्रॉन्ग प्रेफर फॉर क्लास जेंडर रोल्स इन फैंटास्टिक प्ले। इसमें क्या होता है, जो ये जो होते हैं गर्ल्स को बॉयज वाले गेम्स पसंद आते हैं, और गर्ल्स को बॉयज वाले और बॉयज को गर्ल्स वाले गेम्स पसंद आते हैं। आर स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर टॉयज गेम्स और एक्टिविटीज स्टीरियोटाइपिकली यूज्ड बाय द अदर जेंडर। सेम इसमें वही चीजें बताइए, जो टॉयज गेम्स और जो एक्टिविटीज होती हैं गर्ल्स वाले बॉयज को पसंद आते हैं, बॉयज वाले गर्ल्स को। आर स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मैच वंस एक्सपीरियंस जेंडर। इसमें कह रहे हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो भी इनमें मतलब होते नहीं है, और जो अगर होते भी हैं तो वो अच्छे से मतलब मेच्योर नहीं होते हैं। आर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ वंस सेक्सुअल ऑटोनॉमी। इसमें क्या होता है, जो बॉयज होता है बॉयज की फीलिंग, बॉयज को लेकर उसे फीलिंग आती है, और जो गर्ल्स होती है उसे गर्ल्स को ही लेके आती है फीलिंग। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।